हाँ तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के ट्यूटोरियल में। मैं आ गया हूँ आपके लिए गणेश चतुर्थी के लिए एक ट्रेंडिंग वीडियो के ट्यूटोरियल लेकर। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ये वीडियो देखा ही, अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालोगे तो आपकी वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाएगी। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये वाली वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। VN एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप VN एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके आपको फोटो को ऐड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ये फोटो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, नहीं तो आप अपनी फोटो यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको ऊपर ओरिजिनल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसको 9:16 में कर लेना है। अब आपको वीडियो के एंड में आ जाना है और फोटो की लेंथ को इसको आपको 12 सेकंड कर लेना है। तो चलिए मैं 12 सेकंड कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने इसकी लेंथ को 12 सेकंड कर लिया है। अब आपको फोटो को बिल्कुल बीच में सही से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे फिल्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से एडजस्ट वाले पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर सैचुरेशन पर क्लिक कर देना है। सैचुरेशन पर क्लिक करने के बाद सैचुरेशन को आपको बिल्कुल -100 कर देना है। आपको विग्निटी को भी यहाँ पर बढ़ा देना है और यहाँ से आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वीडियो एंड फोटो में जाकर आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना है। ये वीडियो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही दे दूंगा, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप यहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही आप ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करोगे तो आपके सामने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको फिल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको क्रोमा का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको क्रोमा वाले पर क्लिक कर देना है। क्रोमा की को आपको ब्लू वाले पर सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर इसकी इंसेंटी को भी हल्का सा बढ़ा देना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इतना रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ से राइट कर देना है। अब आपको इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इतने वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमारी वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो गई है। आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद आपको दोबारा प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको दोबारा उसी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आपने अभी एक वीडियो बनाई थी। तो चलिए मैं उसी फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे सामने वही फोटो आ चुका है। अब आपको इसके साइज को दोबारा 9:16 में कर लेना है। तो चलिए मैं इसका साइज को 9:16 में कर लिया है और इसकी लेंथ को आपको 12 सेकंड कर लेना है। तो चलिए मैं इसकी लेंथ को 12 सेकंड कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने इसकी लेंथ को भी 12 सेकंड कर लिया है। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। अब आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो एंड फोटो में जाकर अभी जो आपने वीडियो बनाई थी उसी वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हमारे सामने वही वीडियो आ चुकी है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको इसे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको क्रोमा का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना और क्रोमा वाले पर इसे बीच में सिलेक्ट करके और आपको इसकी इंटेंसिटी को भी हल्का सा बढ़ा देना है। तो देखिए आपको इतना कर देना है। अब आपको यहाँ से राइट कर देना है। अब आपको नीचे वाली लेयर पर क्लिक करना है और फोटो को आपको बिल्कुल बीच में एडजस्ट कर लेना है सही से। आपको इतना रहने देना है। आपको इतना ही फोटो को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको एडजस्ट वाले पर क्लिक कर देना है और सैचुरेशन को हल्का सा आपको बढ़ा देना है। आपको विग्निटी को भी हल्का सा बढ़ा देना है। फिर आपको यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको अब दोबारा गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो एंड फोटो में जाकर आपको एक और वीडियो को ऐड कर लेना है। ये वीडियो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। आपको इसको भी यहाँ से फिल कर लेना है। आपको इसके म्यूजिक को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के लिए आपको यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर वॉल्यूम वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको बिल्कुल जीरो कर देना है।
अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इसे स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ से राइट कर देना है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको फिल्टर वाले पर क्लिक करके एडजस्ट में जाकर आपको यहाँ पर सैचुरेशन को फुल कर देना है और यहाँ से आपको इसे राइट कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक PNG ऐड कर लेना है, ये PNG भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। तो चलिए PNG को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर PNG आ चुका है, आपको इस PNG को यहाँ पर लगा देना है और आपको इसकी लेंथ को वीडियो के जितने कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर PNG लग चुका है। अब आपको इसमें म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से और आपको उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। वीडियो को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो एंड गैलरी में जाकर आपको मेरी वाली वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए हमारी यहाँ पर वीडियो आ चुकी है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको नीचे एस्टेट ऑडियो का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी वीडियो की म्यूजिक जो है अलग हो जाएगा और आपको मेरी वाली वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो देखिए हमारी वीडियो म्यूजिक लग चुका है, मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारी कितनी प्यारी वीडियो यहाँ पर बन चुकी है। अब आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में ये वाली रील बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से सीख गए होगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करके कमेंट में हैप्पी गणेश चतुर्थी ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं आपको एक और न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।